हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू 2 मिनट सीरीज़। और आज हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेट्स कमिटी को। फाइनेंशियल कमिटीज़ अब जो पार्लियामेंट की हैं 3, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उनके बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, उनके कॉम्पोजिशन के बारे में, इन सबको याद रखना फ्रॉम अ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं। कमिटी ऑन एस्टिमेट्स या एस्टिमेट्स कमिटी जो है पहली बार कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1950 में। तो एक ये पोस्ट इंडिपेंडेंस फिनोमेना है। हमने देखा है पैक में, जो कि पिछले हफ्ते कराई गई थी, अगर आपने नहीं देखी है प्लीज़ गो वॉच दैट वीडियो। पैक जो है 1921 में इस्टेब्लिश की गई थी, मतलब प्री इंडिपेंडेंस से वो चलती आ रही है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कमिटी ऑन एस्टिमेट्स या एस्टिमेट्स कमिटी जो है 1950 में इंडिया के जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे जॉन मथाई, उनके डायरेक्टिव्स, उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से जो है इस्टैब्लिश की गई थी। ये भी जो है एक पार्लियामेंट्री कमिटी है जिसके अंदर 30 मेंबर है। सो आउट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल कमिटीज ये सबसे बड़ी है, ठीक है। इसके अंदर 30 मेंबर्स और हर साल जो है ये इलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा द्वारा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। सो इंपॉर्टेंटली सारे के सारे मेंबर्स कहां से आ रहे हैं? लोकसभा से आ रहे हैं ये, ठीक है। बाकी में राज्यसभा के साथ शेयरिंग है। चेयरपर्सन जो है वो स्पीकर द्वारा चुने जाते हैं। इनिशियली इसकी जो मेंबरशिप थी वो 25 मेंबर्स थी, बट 1956 में इसको बढ़ा के 30 कर दिया गया। कोई भी मिनिस्टर मच लाइक अदर कमिटीज इसके भी हिस्सा नहीं हो सकते, ठीक है। तो फाइनेंशियल कमिटी जैसे कि हमने देखा पैक के भी नहीं होते, तो एस्टिमेट्स कमिटी के भी कोई मिनिस्टर जो है मेंबर नहीं हो सकते। और अगर कोई मेंबर वो कमिटी के हिस्से हों और उसके बाद उन्हें मिनिस्टर बना दिया जाए तो ही विल सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी। जब वो अपॉइंट हो जाते हैं तो ही विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द एस्टिमेट्स कमिटी। जो टर्म ऑफ ऑफिस है 1 साल होता है। अब फंक्शंस देखे जाएं तो ये रिपोर्ट करते हैं कि किस तरह की इकोनॉमीज या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को आप और इफेक्टिव बना सकते हैं कि पॉलिसी जो है ढंग से काम करे, राइट। जिस बेसिस पे जो है एस्टिमेट्स जो है डिफर कर सकते हैं, बढ़ या घट सकते हैं, राइट। साथ ही में सजेस्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज जिनके थ्रू एफिशिएंसी और इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन लाई जा सके, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है बेटर निभाई जा सके, उतनी ज़्यादा इफेक्टिवली एफिशिएंटली निभाई जा सके, राइट। जितने पैसे मिल रहे हैं उनको एफिशिएंटली यूज किया जाए ताकि जितना इनपुट आ रहा है उसमें मैक्सिमम आउटपुट आ सके। साथ ही में एग्जामिन करना अगर जो पैसा है वो वेल लेड आउट है एंड पॉलिसी की लिमिट्स के अंदर है जितना वो इंप्लाय करने की कोशिश कर रहे हैं एस्टिमेट्स में, ठीक है। ये जो आइडियाज हैं ये दिए गए हैं, ये आगे रखे गए हैं एस्टिमेट्स कमिटी द्वारा। बाकी ये पब्लिक अंडरटेकिंग एक्सेट्रा के रिगार्डिंग जो है कुछ नहीं करती हैं, वो किया जाता है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बारे में, ठीक है। ये जो है ज्यादा ये गवर्नमेंट की जो उनके साथ डील कर रही हैं डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा के साथ, दे आर नॉट रियली लुकिंग इन टू द पब्लिक अंडरटेकिंग्स बिकॉज दैट इज बींग टेकन केयर ऑफ बाय अनदर कमिटी, ठीक है। सो ये है आज के 2 मिनट्स में।